मेरे लिए भी दुआ कर देना। उमेर, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कसम से यार, बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन ये जो शैतान है ना, वो मेरे और नमाज के बीच में आ जाता है, वरना मेरी पूरी कोशिश होती है। हाँ देखिए, मैंने तुम्हारी कोशिश, सुबह नमाज के वक्त तुम सो रहे होते हो या फिर कोई अपने फजूल से काम कर रहे होते हो। नमाज में कौन सी मेहनत और मशक्कत लगती है? एक मस्जिद तो जाना होता है, मस्जिद जाओ और नमाज पढ़ लो, इसमें कोशिश कहां से आ गई? चला यार, बस करो ये बातें प्लीज, मेरा एक काम कर दो। वो मेरे कुछ दोस्त आने हैं शाम को, उनके लिए खाना बना दो। उमेर, मैं तुमसे इतनी जरूरी बात कर रही हूँ, तुम्हें खाने की पड़ी है। अच्छा ठीक है ना, मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, लेकिन प्लीज आज खाना तो बना दो। हाँ बना दूंगी, मगर मगर क्या? मगर तुम पहले मुझसे वादा करो कि तुम कल से नहीं बल्कि आज से ही शुरू करोगे और कोशिश करोगे कि नमाज की पाबंदी करो। अच्छा ठीक है, नमाज की पाबंदी करूंगा। ठीक है, अब क्या मैं अपने दोस्तों को कॉल करके बता दूं कि तुम खाना बना रही हो और वो आ जाए? और प्लीज मुझे धोखा मत देना। पहले कभी धोखा दिया है क्या? नहीं, धोखा तुमने आज तक मुझे नहीं दिया, और इसलिए मैं खुद से ज्यादा तुम पर एतमाद करता हूँ। हो मर्जी जो तेरी, होता है वही, अब जान गया। भीगी आँखों से मैंने है जो तुझको सुनाई, अब तो मैं